नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 4 साल के बाद पाकिस्तान लौट आए हैं। उन्होंने अपनी वापसी के पहले ही दिन लाहौर में अपने समर्थकों की एक बड़ी रैली को संबोधित किया। लाहौर कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट का गढ़ माना जाता था, लेकिन बाद में इमरान खान के समर्थन में दिखने लगा था। नवाज शरीफ की रैली से उनके राजनीतिक भविष्य का संकेत मिलता है। अनुमान लगाया जा रहा था कि वो आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी के रुख को स्पष्ट करेंगे। अपने भाषण में उन्होंने स्पष्टता से कहा कि उनका बदले की राजनीति में कोई भरोसा नहीं है और वो देश को आर्थिक विकास की राह पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक उनके नजरिए की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि उन्होंने अपने संबोधन से देश के सैन्य प्रतिष्ठान को कड़ा संदेश दिया है। नवाज शरीफ का मानना रहा है कि सेना ने उन्हें सत्ता से हटाने में अहम भूमिका अदा की थी। वहीं कुछ आलोचकों का कहना है कि वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का कोई रोड मैप पेश नहीं कर सके। वैसे आपको बता दें, नवाज शरीफ लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में अपने समर्थकों से मिले। कई सालों के बाद वो पहली बार अपने समर्थकों से मुखातिब थे। यहाँ पूरे पाकिस्तान से उनके समर्थक जुटे थे। समर्थकों में नवाज शरीफ की झलक पाने का उत्साह साफ दिख रहा था। जब नवाज शरीफ स्टेज पर पहुंचे तो उनकी आंखों में भी आंसू दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि उनके राजनीति की कीमत उनके परिवार वालों को चुकानी पड़ी। उन्होंने ये भी बताया कि जेल से उन्हें उनकी मर रही पत्नी से बात करने की अनुमति नहीं मिली और ये भी बताया कि किस तरह से उनकी बेटी को उनके सामने हिरासत ले लिया गया। लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में बार बार ये दोहराया कि वो इन सब का कोई बदला नहीं चाहते हैं। अब नवाज शरीफ के इस भाषण को राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से काफी अहम मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में नवाज शरीफ फिर से कोई बड़ा रोल निभाने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।